कहने के लिए भले ही रायबरेली वीवीआईपी जिला कहा जाता हो, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता हो, लेकिन रायबरेली की नगर पालिका कितनी लापरवाह है इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको वो सड़क दिखा रहे हैं, इस वक्त कैमरामैन से कहेंगे सड़क दिखा दें। ये वो सड़क है जहां बीते एक दिन पहले एक ऑटो पलटा और एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह वृद्ध जो वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति था वो क्षेत्रीय निवासी था, यहीं का रहने वाला था। उसका एक बेटा है जो नेत्रहीन है, उसे दिखता नहीं। तो आखिर रायबरेली की नगर पालिका कर क्या रही थी? क्या रायबरेली की नगर पालिका की जिम्मेदारी इन सड़कों की नहीं है? क्या ये सड़कें जो इस तरह की हैं गड्ढा युक्त सड़कें हैं? भले ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हों कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि रायबरेली की नगर पालिका ने कितना विकास किया है और विकास की गंगा यहाँ पर बह रही है। यहाँ क्षेत्रीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, भैया क्या नाम है, क्या दिक्कतें हुई हैं? दिक्कत तो बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। परसों हमारे यहाँ एक आदमी खत्म हो गया, यहाँ ऑटो पलट गया, ये नगर पालिका की देन है। तो आप लोग शिकायत नहीं करते क्या? शिकायत बहुत नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बहुत शिकायत नहीं है। क्या कहा जाता है? शिकायत क्या, देख नहीं रही क्या, अंधे है क्या नगर पालिका? हर जिस रोड पे चलते हैं अंधे हैं, हर रोड भी ऐसे ही है, पूरे जिले की रोड ऐसे ही है। अच्छा, जो युवक खत्म हुआ है, जो वृद्ध खत्म हुआ है, बताते हैं उसका एक लड़का था जो नेत्रहीन, तो अब उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? ऊपर वाला जाने कैसा क्या होगा, सब मोहल्ले वाले करेंगे। उनके परिवार में कौन कौन लोग थे? परिवार में बहुत गरीब तबके के लोग हैं बेचारे। तो क्या नगर पालिका की टीम आई थी या कुछ? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया यार, देखने कोई नहीं आया। तो जिम्मेदार किसे मानेंगे? नगर पालिका को मानेंगे और किसको मानेंगे? तो आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बाद भी उनकी नहीं सुनी गई और यही कारण रहा एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और रायबरेली की नगर पालिका विकास इस तरह से कर रही है जैसे कि रायबरेली जगमगा रहा हो, लेकिन अगर उनका विकास देखना है तो आप उनका विकास कागजों पर साफ साफ देख सकते हैं कि रायबरेली की नगर पालिका ने कागजों पर विकास की गंगा बहा दी, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि यहाँ पर जो गड्ढे हैं ये शहर के एक वार्ड के हालात नहीं है, रायबरेली के जितने वार्ड हैं हर वार्ड में इस तरह की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर बात की जाए यहाँ से कहारों का अड्डा ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहाँ पर गड्ढों की स्थिति यह है कि कभी भी वहाँ इससे बड़ा हादसा हो सकता है। रायबरेली की नगर पालिका अगर अपना कुंभकर्णी नींद को छोड़कर जनता की समस्याओं पर ध्यान दे तो शायद रायबरेली की दशा और दिशा बदलेगी। हमारे साथ भैया क्या नाम है? मोहम्मद आदिल खान। क्या दिक्कत हुई है? यहाँ दो दिन पहले यहाँ पे हादसा हुआ है नगर पालिका की लापरवाही से। कई बार हम लोगों ने कहा, नगर पालिका के पास सूचित किया कि इस रोड को बनाया जाए, यहाँ पे गड्ढे हैं, आए दिन हादसे हुआ करते हैं। तो क्या जवाब मिला था? आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, यही लापरवाही है नगर पालिका की। कब से शिकायत कर रहे हैं आप लोग? बीते कम से कम एक डेढ़ साल हो गए। डेढ़ साल से शिकायत के बाद भी अब तक नगर पालिका की आँख नहीं खुली? नहीं। क्या लगता है, अब एक युवक की जान चली गई? अब युवक की जान चली गई, उसके आगे पीछे देखते हैं क्या होगा। वो तो बहुत गरीब परिवार था, उसके आगे बच्चे भी हैं छोटे छोटे। यहाँ बगल में स्वयं जी वहाँ की शहर का हाल आप खुद देख रहे हैं, शहर का हाल चारों तरफ यही है, सारे आला अधिकारी जिले के इधर से निकलते हैं, उसके बाद उनको नहीं दिखता ये सब। वो आपने सुना, एक बार कैमरामैन से कहेंगे ये तस्वीर एक बार फिर से दिखा दी और दिखा दी कि इस तस्वीरों के कारण अगर रायबरेली की नगर पालिका ने अपनी कुंभकर्ण की नींद छोड़कर जमीनों पर उतर कर हकीकत देखी होती तो शायद रायबरेली की दशा और दिशा दोनों बदलती, लेकिन रायबरेली की नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को अपने एसी केबिन से निकलने की फुर्सत नहीं, और अगर अपना एसी केबिन छोड़ती हैं महोदय तो एसी गाड़ी में बैठती हैं और अपने घर के लिए निकल जाती हैं। या जहां उन्होंने विकास की गंगा बहाई है उस क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ की जनता ने भी आपको वोट किया है, बिना जनता के वोट के आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन आपने कितना विकास किया है, तस्वीरें एक नहीं। आप क्या नाम है? आदिल खान। क्या दिक्कत हुई है यहाँ? दिक्कत हुई, परसों 16 तारीख को एक बुजुर्ग यहाँ खड़ा हो गया है, नगर पालिका की खराब रोडों की वजह से एक रिक्शा पलट गया था जिसकी वजह से बुजुर्ग खत्म हो गया, और उस बुजुर्ग की स्थिति ये थी कि उनके घर में एक लड़का है, उनका
जो ना बोल पाता है ना देख पाता है, बड़ी स्थितियाँ उनकी बहुत नाजुक हैं। तो रायबरेली नगर पालिका बिल्कुल कुनकरण की नींद सो रही है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कि कोई मर जाए। तो वो अपनी ऐसी गाड़ी से अपने ऑफिस जाते हैं, ऐसी गाड़ी में बैठते हैं, ऐसी गाड़ी में चले जाते हैं। जब से सदर विधायक ले सिंह खत्म हो गए, जब से उनका और राज हो गया है, वो कहते हैं कि हमारा इसे चल रहा है कार्यक्रम, और सभासद से कहा जाता है, वो कहता है नगर पालिका में कुछ समाज ही नहीं, तो बताइए मैं क्या करूँ। ये है रायबरेली की नगर पालिका। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की क्या नगर पालिका में? रायबरेली नगर पालिका से कई दफ़े शिकायत करने के बाद भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। सभासद से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि रायबरेली नगर पालिका में कुछ समान ही नहीं है, तो हम क्या करें। ये है रायबरेली नगर पालिका की स्थिति। कि अगर आपने इस मामले पर संज्ञान लिया होता, यहाँ गिट्टी या कुछ डलवा दिया होता, तो शायद आज वह युवक जीवित होता और उसका परिवार, जो उसका एक बेटा है नेत्रहीन है, खुशहाली से अपने बाप के साये में रहता। फिलहाल हम इसी तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल R7 लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरा पर्सन साबिर के साथ सिराज अहमद, R7 लाइव न्यूज़, रायबरेली।